हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रहनुमाए रसोई। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी रसोई की साथी, आपकी रसोई की रहनुमा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं जायके के सफर की तरफ और बात करते हैं जो आज हम स्पेशल बनाने वाले हैं। बिल्कुल इंस्टेंट है, बिल्कुल झटपट बन जाएगा और आप तो देख ही रहे हैं कि इसमें क्या सामान लगा है। कुछ भी नहीं है, हमारे घरों में ऐसे ही मिल जाता है। तो आज हम बनाने वाले हैं फ्लफी केक। ये केक है लेकिन इसमें ना आपको मैदा लगेगा, ना बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा। आपको सिर्फ लगेगा तो एग लगेगा और शुगर, और आपको लगेगा वनीला एसेंस। शुगर भी आपको नॉर्मल पाउडर शुगर नहीं लेनी है, नॉर्मल शुगर लेनी है, और थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट लगेगा, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने आप ये जो है हमारे फोर एग्स को योग अलग कर लिया है और व्हाइट पोर्शन अलग कर लिया है। अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। अब हम बढ़ते हैं आगे जायके के सफर पर। लेकिन इससे पहले, आगे चलने से पहले, मैं चाहती हूँ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं मेरे, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, घर पे बनाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूँ कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ये हमारे चार अंडे का एग व्हाइट है, ये एग योक है जिसको मैंने हल्का सा बीट किया है, ये हमारा वनीला एसेंस है, ये हमने सॉल्ट लेना है, पिंच लेना है और कुछ नहीं, और स्वीट शुगर इतनी ही लेनी है जितनी हमें जरूरत है, जितना स्वीटनेस आप चाहते हैं इसमें, हमारे फ्लफी केक में या बोल सकते हैं इंस्टेंट केक में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी एग योक है। इसमें मैं डालती हूँ बिल्कुल थोड़ी सी, थोड़ा सा सॉल्ट डालना है मुझे, एकदम पिंच, ज्यादा नहीं करना है, इतना ही डालना है, एकदम थोड़ा सा सॉल्ट डालना है और सेम सेम इतना ही आपको इसमें डालना है, आपके एग व्हाइट में डालना है। और अब हम लेंगे शुगर। शुगर शुगर मैं ले रही हूँ इतनी, देखिए मैं इतनी शुगर ले रही हूँ, आप चाहें तो और ले सकते हैं, थोड़ी सी और ले लेते हैं, थोड़ा सा स्वीट स्वीट सा केक अच्छा लगता है। और अब हम इसको बीट करते हैं। देखिए इसको मैंने बीट कर लिया है, 1 से 2 मिनट तक आपको इसको बीट करना है और फिर इसको आपको रख देना है। इसको बनाने के लिए आपको ओवन की जरूरत नहीं है, आप नॉनस्टिक पैन में बना सकते हैं। अब इसमें शुगर डालने से पहले आपको, आपके पास अगर विस्कर है तो आप विस्कर यूज करिए, वरना ये आप 5 से 7 मिनट में ये विस्क हो जाता है वैसे, ठीक है। आपको इसको इतना विस्क करना है कि ये एक फॉर्म के फॉर्म में आ जाए, एकदम लाइट हो जाए, एकदम व्हाइट कलर का हो जाता है ये, आप उसको सिर्फ इतना ही बीट करना है। अब हम इसमें डालेंगे शुगर, जितनी शुगर आपको लग रही है उतनी ही यूज करनी है। मैं इतनी शुगर यूज कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस, मैं इसमें इतना वनीला एसेंस डाल रही हूँ, इतना काफी है इसके लिए, और थोड़ा सा इससे जस्ट आधा मैं डाल रही हूँ येलो योक में, येलो पोर्शन में। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैंने डाल दिया, शुगर भी डाल दिया, एसेंस भी डाल दिया। अब मुझे इसको एकदम लाइट होते तक, फ्लफी होते तक इसको बीट करना है, विस्क करना है, और आप इसके बिना भी कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट में ये विस्क हो जाता है। देखिए इस तरीके से ये विस्क होते हैं, इस फॉर्म में भी पहुंचता है। इसके बाद जो लेवल होगा वो आपका एकदम फोमी हो जाएगा, एकदम लाइट हो जाएगा आपका जो एग व्हाइट पोर्शन है। अभी आपको कंटिन्यू करना है इसको। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से ऐसा हो जाता है, फोम जैसा बिल्कुल। और ये हमारा योक पार्ट है, और ये मैंने पैन में एकदम 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है और इसको पूरा स्प्रेड कर लिया है ऊपर तक, क्योंकि हमारा केक जो है थोड़ा ऊपर उठेगा, फ्लफी बनेगा। इस तरीके से हमें इसको करना है ताकि ये अच्छे से पूरे पैन में हो जाए। हमें नॉन स्टिक पैन लेना है ताकि वो इजिली निकल जाए। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर रखना है
और अब हम इसमें हमारा जो एग योक वाला पार्ट है जो हमने एक पोर्शन अलग से बीट करके रखा है हमें वो डालना है। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा एकदम 1 से 2 मिनट। देखिए इस तरीके से हमारा येलो पोर्शन जो है वो अच्छे तरीके से पक जाएगा। थोड़ी देर आप उसको ढक के रख दीजिएगा। अब इसके ऊपर हमें जो हमारा व्हाइट फोम है वो रखना है और उसकी लेयर बनानी है। हाँ तो गाइस देखिए ये हमने जो हमने व्हाइट पोर्शन का फोम बनाया था, विस्क किया था, उसको आपको ऐसे डाल के और ऐसे स्प्रेड कर देना है और इसको आपको ढक के रख देना है। आप ढक के रख सकते हैं लेकिन एक बार आप बीच में जरूर खोल के देखें, 5 मिनट ढक के रखें और फिर एक बार जरूर ओपन करके देखें। अगर ये बेक हो जाएगा तो ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ये उठ जाएगा, लेकिन इसका कलर ऐसे ही रहेगा, बहुत खूबसूरत सा देखते के साथ आपको खाने का दिल करेगा। चलिए अब हम इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए गाइस आप इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं या टूटी फ्रूटी जो होती है वो भी डाल सकते हैं आप, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद, इसमें सेट करने के थोड़ी देर बाद। अब हम इसे वापस ढक देते हैं। हे गाइस देखो जब मैंने इसका जो है ये ओपन किया तो ये अच्छे से इसने साइड छोड़ दिया है और ये अच्छे से ऊपर आ गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। हाँ तो गाइज देखिए ये मैंने प्लेट में निकाल लिया है, ये साइड से अच्छा ब्राउन हो गया है और बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसको कट करेंगे और खाएंगे, ये बहुत ही यम्मी है। तो अब मैं इस सफर को यहीं पॉज करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये आप घर पे बनाएं और मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। और अब लास्ट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अब मैं इजाजत चाहती हूँ। Take care. Bye.